आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के साथ मैं अशोक कुमार। तो जैसा कि विद्यार्थियों आप सभी जानते हो कि कक्षा 12 साइंस कॉमर्स आर्ट्स और कक्षा 10th प्रवेशिका परीक्षा, वरिष्ठ उपाध्याय, इन सब का रिजल्ट जारी हो चुका है। तो काफ़ी सारे विद्यार्थियों के जो मार्क्स आए हैं वो उनके मन मुताबिक नहीं है, यानी उन्हें इस परिणाम से संतुष्ट नहीं है, तो वो रीचेकिंग करवाना चाहते हैं या रीटोटलिंग करवाना चाहते हैं। तो उनके लिए स्पेशल ये आज का वीडियो बनाया जा रहा है। इसके बारे में काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट्स थे कि सर रीटोटलिंग पर एक वीडियो बनाया जाए, ताकि किस तरीके से उसका प्रोसेस है उसके बारे में बताया जाए। तो इससे आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक कर दें और पास लगे बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको प्राप्त होती रहे। और वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और निरंतर वीडियो पर कमेंट्स करते रहें। और वीडियो पर आने वाली एड को पूरा देखें, उसे स्किप ना करें। तो अब देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है। तो देखो, जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट आने के 10 दिन के अंदर आप इस कॉपियों की समीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंतर्गत आपके नंबर चेंज होंगे या नहीं होंगे उसका पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। चेंज होंगे तो आपका इस पर आ जाएगा, नहीं चेंज होंगे तो लिखा आएगा नो चेंज। तो जो भी चीज़ें होगी वो क्लियरली आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें देखेंगे, ये वेबसाइट है, आपको सबसे पहले राज एजुकेशन बोर्ड डॉट राजस्थान डॉट जी ओ वी डॉट इन ओके करना, या आप सिंपली आप BSER लिख कर भी अगर सर्च करोगे कोई भी सर्च इंजन या गूगल में, तो ये वेबसाइट आ जाएगी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। इस वेबसाइट को आप ओपन करना। ओपन करने के बाद में इसको थोड़ा जूम करूँगा, यहाँ पे आपको देखना है, ये यहाँ आप देखिए, ये आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं। इस ऑप्शन के अंदर देखो, ये तो यहाँ पे रिजल्ट था, जो आपका रिजल्ट देख सकते हो, रिजल्ट 2019 जिसके बारे में पहले आपको बताया था। आप इस पर क्लिक करोगे रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद में आपको ये तो मॉडल कॉपी वगैरह है, या ये स्क्रूटिक 2019 यानी ये समीक्षा लिखा ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना। तो इस पर क्लिक करोगे तो ये इस टाइप का विंडो आपके सामने ओपन होगा, जिसमें आ जाएगा लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन विदाउट लेट फिट। ये किसके लिए है? क्लास 12 साइंस कॉमर्स के लिए। कब है? 25/5/2019 उसकी ये लास्ट तारीख थी, ठीक है ना। अब तो आज तो तारीख कितनी हो गई, 4/6 हो गई है। और इसके बाद में इनके जो लेट फीस के साथ में थी दिनांक, वो थी 30/5/2019। इसके अलावा जो लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन विथआउट लेट फीस, ये 1/6/2019 किसके लिए थी? क्लास 12 आर्ट और वरिष्ठ उपाध्याय के लिए। और लेट फीस के साथ 6 तारीख, यानी एक दिन और बाकी है, जो भी पीछे रह गए हैं वो भर सकते हैं। इसके अलावा सपोर्ट के लिए नंबर भी दिया, यहाँ क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा जिन विद्यार्थियों ने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है और वो भूल गए, तो फॉरवर्ड पासवर्ड पर आप क्लिक करके फॉरगेट पासवर्ड का आप प्राप्त कर सकते हो। और इसके अलावा मेल भी कर सकते हो। और यहाँ इसके नियम भी देखेंगे, क्या क्या नियम हैं और क्या चीज़ें, वो हम देखेंगे। इससे पहले आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि आपको आज मैं विशेषकर आपको कक्षा 10th के लिए बताऊंगा, 10th के लिए कब से क्या है। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक नोटिफिकेशन रखूँगा, ये आप देख सकते हो, ये बोर्ड ने जारी किया है दिनांक 3/6/2019 को। माध्यमिक व्यावसायिक द्वितीय लेवल व प्रवेशिका परीक्षा 2019 की उत्तर
पुस्तिकाओं की समीक्षा व उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति ऑनलाइन प्राप्त करने के सूचनार्थ। तो इसमें लिखा है कि जो इनका परिणाम है वो 3/6/2019 को घोषित किया जा चुका है। समीक्षा एवं उत्तर पुस्तिका के स्कैन फोटो प्रति प्राप्त करने हेतु बिना विलंब शुल्क के दिनांक 13/6/2019 तक और विलंब शुल्क सहित 18/6/2019 तक ई मित्र पर अथवा संवे के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी, नियम, शर्तें व आवेदन पत्र का प्रारूप, प्रक्रिया आदि बोर्ड की वेबसाइट की लिखी हुई इस वेबसाइट पर दिनांक 16/5/2019 के प्रमुख समाचार पत्रों में देखें। और ये आज के अखबार के अंदर भी इसका ये बोर्ड का ये जो है नोटिफिकेशन ये प्रकाशित हुआ है, तो वहीं भी आप इसका अवलोकन कर सकते हो। और अभी जो मैंने आपके सामने वेबसाइट रखी थी वो यही वेबसाइट थी, यानी 10 दिन बाद रिजल्ट आने के बिना विलंब शुल्क के और 15 दिन तक आप विलंब शुल्क के साथ में आप अप्लाई कर सकोगे। ये इसके नियम हैं। समीक्षा परीक्षा 2019 उत्तर पुस्तिका फोटो प्रति प्राप्त करने के नियम व शर्तें। तो आवेदन प्रक्रिया, पहला क्या है, अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट www.rajeducationboardrajasthan.gov.in पर समीक्षा आवेदन पत्र डाउनलोड या प्रिंट कर निकटतम ई मित्र केंद्र पर नियत तिथि तक सब प्रमाणित आईडी अपलोड कर ऑनलाइन निर्धारित शुल्क जमा कर आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थी संवे के लिए ही आवेदन करे, अन्य किसी के लिए आवेदन करना दंडनीय अपराध माना जाएगा, यानी आपको अपने लिए ही करना है। ये देखिए, इसमें उत्तर पुस्तिकाओं स्कैन के लिए घोषणा की तिथि के 10 दिन के यानी 300 रुपये इसका शुल्क लगेगा। एक सब्जेक्ट का 300 रुपये, और आप कितने सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हो उसके आधार पर, जैसे 2 सब्जेक्ट के करोगे तो 600 रुपये लगेंगे। इसके पश्चात आगामी 5 दिवसों में विलंब शुल्क ₹300 प्रति विषय प्रति उत्तर पुस्तिका ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, और कुल 600 रुपये लगेंगे। ऐसे मतलब लेट करोगे तो आपको कुल 600 रुपये प्रदान करने पड़ेंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप विद्यार्थी के सुविधार्थ बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। डाक से प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये ध्यान रखना, यानी ऑनलाइन होंगे। परीक्षार्थी को किसी विषय की प्रतियोगी परीक्षा में उत्तर पुस्तिका की समीक्षा करानी है तो उसका निर्धारित शुल्क जमा अतिरिक्त कराकर आवेदन में स्पष्ट उल्लेख करें। आवेदन पत्र के साथ मूल अंक तालिका, इंटरनेट से प्राप्त अंक तालिका की प्रति संलग्न करने की आवश्यकता नहीं। ये तो शुल्क वगैरह जो लिखा हुआ है, ये अति महत्वपूर्ण क्या है, प्रत्येक विद्यार्थी को आवेदन हेतु एक ही अवसर दे होगा, अर्थात विद्यार्थी परीक्षा हेतु एक बार ही आवेदन कर सकेगा। अतः विद्यार्थी समय भली बातें सुनिश्चित होकर एक ही आवेदन में उन सभी विषयों का उल्लेख करें जिनकी समीक्षा करवाना चाहते हैं, यानी आप एक ही बार आवेदन कर सकते हो, बार बार आप नहीं कर पाओगे। और आवेदन पर सबमिट करने से पूर्व अंकित सभी प्रविष्टियों की आपको अच्छी तरीके से जांच करनी है, और ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपनी एक आईडी भी अपलोड करें। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी आपको बोर्ड को नहीं भेजनी है। ये बाकी जो भी है, जैसे OTP है, पासवर्ड, वो आपके आएगा, जिसके आधार पर 10 दिन में परिणाम या उत्तर पुस्तिका देख या प्रिंट आउट कर सकोगे। यानी आपको ऑनलाइन ही आपकी कॉपी वगैरह आएगी, तो वो ऑनलाइन ही आप देखोगे। जो पासवर्ड है उसको आपको सुरक्षित रखना होगा, आपका जो बैंक विवरण वगैरह अभी मैं फॉर्म दिखाऊंगा उसमें फिलअप करना। तो ये नियम है, आप थोड़ा इस वीडियो को रोक के आप देख लेना। ये बाकी चीज़ें अब इतना मैं लंबा सारों को पढ़ूंगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा, तो आप इन नियम को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ये नियम थे, और इसके ऊपर ये फॉर्म भी देखो दिया गया है, ये वाला फॉर्म है। चलो अब मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन आप फॉर्म किस टाइप से भरना है। तो इसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन ये यहाँ कर सकते हो क्लिक। ये देखो, फर्स्ट टाइम यूजर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये फॉर्म इस टाइप का आपके सामने आ जाएगा। ये देखो, इस टाइप का, इंटर योर रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो यहाँ आपको इस पर क्लिक करोगे क्लास पर तो ये आ जाएगा सेकेंडरी आर्ट्स या वरिष्ठ उपाध्याय। तो अभी जब कक्षा 10 का भी आ गया तो अभी लगभग इसमें अपडेट्स हो जाएगा, तो इसमें बाद में सेकेंडरी का भी इसमें ऑप्शन आ जाएगा। और उसके बाद में यहाँ इंटर रोल नंबर डालना है,
फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जो एक्टिव होना चाहिए, इसी पे आपका जो OTP आएगा, पासवर्ड आएगा, और उसी पासवर्ड से फिर आप इसको जो आपकी ऑनलाइन प्रति होगी उसको खोल के आप देख सकोगे। एक ईमेल आईडी डालना, ईमेल आईडी आपका संवय का है या घर की किसी परिवार के सदस्य का है वो आप डाल सकते हो, नहीं है तो आप नया बना के भी डाल सकते हो। इसमें आप बैंक अकाउंट भी आपका संवय का है तो ठीक है, नहीं तो घर के परिवार के किसी सदस्यों का डालना है, क्योंकि अगर आपके मार्क्स बढ़ते हैं तो जो आपने फ़ीस भरी है 300 रुपये एक सब्जेक्ट के हिसाब से, वो आपकी वापस आपके अकाउंट में आएगी। या अकाउंट होल्डर का नाम, फिर बैंक IFSC कोड, फिर बैंक ब्रांच का नाम, ये सारी डिटेल आपको पासबुक्स के ऊपर मिल जाएगी। और फिर आपको यहाँ अपना पूरा एड्रेस भरना, फिर पिन कोड भरना है, और फिर आपको एक आईडी यहाँ अपलोड करना है। आईडी देखो कौन कौन सी, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी। इसमें से तो आपके पास एडमिट कार्ड तो सबके पास ही है जो प्रवेश पत्र है आपका, या फिर आधार कार्ड, इन दोनों में से कोई भी आप अपलोड कर दीजिए। इनको आप अपलोड करना है, और इसको आप अगर आपके पास फ़ोटो लिया है मोबाइल में या और भी लैपटॉप में, तो वहाँ चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे, तो इस पर क्लिक करोगे तो वो खुल जाएगा सिस्टम, वहाँ से देख। फिर यहाँ पे आपको देखो ये जो ऊपर टैक्स दिया है 33,60,59, इसको यहाँ डालना है, ये यहाँ पे आपको इसको डालना है, जो भी ये दिया 33,60,59, ठीक है। इसको यहाँ डालना, ये डालने के बाद यहाँ इस पर क्लिक करना, मैं प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ, इस पर आपको क्लिक करोगे, जब ये राइट का चिन्ह आ जाएगा तब आपको फिर इस रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म सेव हो जाएगा और इस टाइप से आएगा, क्योंकि यहाँ मैंने कुछ डिटेल नहीं डाली है इसलिए यह इस टाइप का ऑप्शन आया। यहाँ सेव हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन, और सेव होने के बाद कुछ आपका इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब ये सेव होने के बाद आपके पास में एक आपका लॉगिन आईडी आ जाएगा, एक पासवर्ड आ जाएगा, फिर यहाँ आप देख सकते हो सिक्योरिटी आईडी या लॉगिन आईडी यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर पर पासवर्ड आएगा वो डालना है, और फिर लॉगिन पर क्लिक करना। तो लॉगिन पर आप क्लिक करोगे, अगर आप पासवर्ड भूल गए तो यहाँ फॉरगॉट पासवर्ड पर भी क्लिक करके आप नया जनरेट कर सको। ये जब यहाँ लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा पेज खुल जाएगा ये, और यहाँ पे आपकी सारी की सारी डिटेल्स आ जाएगी, ये जो आपने भरी थी वो सारी डिटेल्स यहाँ आपको प्राप्त हो जाएगी इस टाइप से। और दिए गए फील्ड को बिना किसी गलती के अपनी पर्सनल डिटेल भरें और सबमिट करें। अभी जो मैंने भरने का कहा था वो आपको सबमिट करना है, और इसको सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल या ईमेल पर, वो ईमेल दोनों जगह आपका OTP आएगा, जिसके माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर पाओगे। फिर आपके सामने वो प्रोसेस रजिस्टर होने के बाद आपके सामने इस तरीके की डिटेल आएगी। देखो ये ऊपर कक्षा लिखाएगा, 10th read totally, यहाँ आपने जो रिजल्ट भरा, आपकी एप्लीकेशन ID, रोल नंबर, मदर, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी। और यहाँ पे आपके सामने वो सब्जेक्ट है वो आपको करना है, जैसे आपने कौन से सब्जेक्ट के लिए, तो उस पर ये जो रेड कलर का होगा उस पर आप जब सिलेक्ट करोगे, लिखा है ना सिलेक्ट फॉर अप्लाई, इस पर करोगे तो ऊपर जैसे ये दिख रहा है हिंदी के आगे ग्रीन का, तो आपका जब आ जाएगा अप्लाइड, जब अप्लाइड हो जाएगा तो उस पर लिखा आपके आ जाएगा अप्लाइड, और अप्लाइड हो जाएगा तो उसके बाद में आपका यहाँ से एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट, इधर तो ये है प्रैक्टिकल के लिए और इस साइड में ये सब्जेक्ट के लिए, तो आपके तो वैसे प्रैक्टिकल है नहीं कक्षा 10 के लिए। फिर यहाँ आपको सेव पे क्लिक करना, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो गो बैक भी कर सकते हो या कैंसिल भी कर सकते हो, और यहाँ पूरी तरीके अच्छी तरीके से जांच करके आगे बढ़ोगे। तो आगे बढ़ोगे तो आपके सामने ये मैसेज आएगा कॉन्फर्मेशन का, यानी इसमें कि आपने जैसे एक या दो सब्जेक्ट के लिए भरा, तो जितने सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसका आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपको क्लिक करना है अप्लाई एंड कंटिन्यू पर, जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इसमें आपको फिर आगे बढ़ना है यहाँ से, और यहाँ आपको देखना कि आपके द्वारा जांच के लिए दिए गए सब्जेक्ट की सूची जो आपको ऊपर दी गई थी वहाँ से क्लोज कर लेना। इसके बाद में आपको पेमेंट की डिटेल आएगी, तो ये है आपके सामने पेमेंट्स की डिटेल।
यहाँ एक सब्जेक्ट का 300 रुपये जितने उसके लिए क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको क्यूसक से पेमेंट कर सकते हो या ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो, जिस पर आपको ये तो दोनों पे क्लिक करना है। जो भी आप ऑप्शन है वहाँ से चुन लेना। ई मित्र से भरोगे तो वो अपने आप आपका पेमेंट कर देंगे। इसके बाद में देखो दिए गए सब्जेक्ट सूची के अनुसार पेमेंट प्रोसेस पूरा करना है। करने के लिए ऑनलाइन बटन पर क्लिक करें। किस पे? इसने ऑनलाइन बटन पर क्लिक करके प्रोसेस करें। इसके बाद में इस टाइप का यहाँ से आपको बिल डेस्क करना चाहते हो और किसी से यहाँ से आपको चुन लेना है। और उसके बाद में प्रोसेस टू पे पर आपको क्लिक करना है। जो भी डिटेल मांगी जाएगी आपकी वो आपको देनी है, चाहे वो एटीएम की हो या और किसी माध्यम से आप यूपीआई या और किसी माध्यम से आप पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिट डेबिट जो भी कार्ड से वहाँ से। उसके बाद में आप करोगे तो आपके सामने इस टाइप की ये विंडो खुल के आ जाएगी। यहाँ लिखा होगा ये सक्सेस। जब प्रोसेस आपका सक्सेस हो जाएगा ये विंडो आएगी, इसकी आप रिसिप्ट भी बना सकोगे। और अब आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया और कंप्लीट होने के बाद ये फाइनल विंडो आपके सामने आ जाएगी और इसकी भी आप रिसिप्ट ले सकोगे। और इस प्रकार आपका ये प्रोसेस पूरा होता है। और इसके बाद जब भी आपका इसका आएगा तो अब आपके पास जो पासवर्ड होगा और जो आईडी है उस आईडी के माध्यम से आप अपने प्रति प्राप्त कर सकोगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें, कई विद्यार्थी बस केवल देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ उसमें आपका कोई खर्च नहीं आता। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगे बेल आइकन बटन को दबाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी आशा के साथ आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।